दोस्तों चमत्कारिक बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह ने मुकाबले के बाद महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और शाहरुख खान पर कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद आप भी उन्हें दिल से सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिरकार तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद रिंकू सिंह ने मुकाबले के बाद क्या कहा है, दिखाएंगे उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया। दरअसल इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने कोलकाता के सामने 177 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा गई। लेकिन दोस्तों एक तरफ से अकेले खड़े थे रिंकू सिंह। यश दयाल की 5 गेंद पर 5 छक्के लगाने वाले रिंकू सिंह ने इस मुकाबले में भी कुछ वैसी ही बल्लेबाजी की। आपको बता दें आखिरी 3 गेंदों पर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 18 रनों की दरकार थी। रिंकू ने ओवर की 4th गेंद पर छक्का लगाया। इस छक्के के बाद रिंकू सिंह ने अगली गेंद पर चौका लगाया। ये बल्लेबाज यही नहीं रुका, आखिरी गेंद पर भी छक्का लगाते हुए रिंकू सिंह ने ये बता दिया कि अगर एक गेंद और रही होती तो वो मुकाबला खत्म कर सकते थे। भले ही इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुकाबला 1 रन से अपने नाम कर लिया हो, लेकिन रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया। मुकाबले के बाद रिंकू सिंह ने बयान देते हुए कहा, मैं मुकाबला ना जीता पाने की वजह से दुखी हूँ। अगर मेरी बल्लेबाजी से टीम जीत जाती तो इसकी खुशी ही अलग होती। मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया। हाँ, हमने बेशक कुछ मौके गवाए, लेकिन हमने इस साल काफी कुछ सीखा है। शाहरुख सर और नीतीश भाई का हमेशा मेरे पर सपोर्ट रहता है। मैं शाहरुख सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। माही भाई की दी हुई सीख आज भी मेरे काम आ रही है। उनसे मैंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ सीखा है। दोस्तों इसके बाद सुरेश रैना को अपना आदर्श बताते हुए रिंकू सिंह ने कहा, सुरेश भाई मेरे आदर्श हैं, मैं उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। दोस्तों रिंकू सिंह का यह स्टेटमेंट इस वक्त सबका दिल जीत रहा है। आपको बता दें कोलकाता नाइट राइडर्स अब IPL 2023 से बाहर हो चुकी है। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले में जीत के साथ ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 4th स्थान पर RCB आती है या फिर मुंबई इंडियंस। वैसे आपको क्या लगता है इस साल कौन सी टीम बनेगी चैंपियन? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।